लोगों को कल्पना नहीं है। जैसे आप तो हमें दिखाए नहीं, आज तक नहीं देखा है मैंने आपको, बस फोटो में ही उपयोगी तस्वीर देखी है। हाँ जी, और हम आपको एक अनुभव बताते हैं, ये अनुभव अभी 4-5 दिन पहले का है। आपने आपने कहा था कि पर स्त्री से मतलब जो है कि वो व्यवहार खत्म करिए, बराबर हाँ जी है ना। हाँ। तो उससे वो ठीक नहीं है, तो हमने वो बहुत प्रयास किया, तो उसमें हमें एक स्त्री मतलब कल्पना में बहुत सुंदर, और वो हमारे हम बहुत अपना में कल्पना में बहुत बचते हैं उससे। हाँ। फिर भी वो मेरे से चिपटती है और उसने हमें बिंधा लिया। अब हम जो है कि अपने नारायण हरि को याद करते हैं। हाँ। तो नारायण हरि भी आ गए, आप भी आ गए आप भी आ गए, आपको मैंने याद किया, आप भी आ गए। अब दोनों लोग, आप लोग दोनों लोग, तो हमारी एक वहां आप पकड़े हुए हैं और एक हमारे नारायण हरि पकड़े हुए हैं। तो हमको इतनी बहुत बड़ा समंदर है, उस समंदर के ऊपर मतलब उड़ते हुए जा रहे हैं, और वो जो है कि उसको उन्होंने सुदर्शन चक्र से नारायण हरि ने उसके जो है कि वो माया का जाल जो था वो काटा। हाँ जी। और आपने एक वहां पकड़ी, एक उन्होंने वहां पकड़ी, और समुद्र के ऊपर ऊपर अब हम देख रहे हैं कि बहुत उसका सीमा ही नहीं समुद्र की, कहां पर छोर है उसका। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में एक मकान मिला है और मकान वो किनारे है और उसको हम याद रखे हैं। हाँ, तो मकान तो आगे है, उसका थोड़ा सा हिस्सा मकान का जो है कि वो दीवार के पास में एक छोटी सी मामूली सी झोपड़ी बना करके आप लोगों ने तैयार की है, वो आप लोगों ने ही तैयार की है। हाँ जी, हाँ जी। और उस झोपड़ी में जो फूस फास की झोपड़ी है, ये मकान की थोड़ी ना ईंटों की जो बता रहे ईंटों की नहीं है, तो फूस फास की झोपड़ी है और उसमें जो है कि लेयर एकदम लगा रखी है आपने, और नारायण हरि ने भी लेयर लगा रखी, अब उसमें हमें बंद कर दिया और माया फिर भी उसके ऊपर चढ़ रही है। वो माया फिर भी हाथ बढ़ा रही है और किसी तरह उसको सुराख मिल जाए जो है वो अंदर हमारे आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब वो जो है कि फिर भी जो है कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश उसकी नहीं, उसकी कोशिश नहीं चली। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी कोशिश नहीं चलती है, आखिर उसको जो है कि वापस जाना पड़ता है। बराबर है। तो देखो, इसका यही मतलब है कि माया से छुड़ा कर आपको ले जाया गया है, आप अकेले बच नहीं पाते, नहीं माया नहीं से आप लड़ भी नहीं पाते, ये सारा समुंदर जो है माया का ही है। अच्छा। और यहाँ विविध प्रकार का माया है, धन से लेकर स्त्री तक सारा माया का खेल चल रहा है ना। तो उससे पार ले जाने का सामर्थ्य सिर्फ गुरु और भगवान में है। जी प्रभु, आप समझे ना। तो ये बहुत अद्भुत अनुभूति हुई है, और ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सही है। तो देखो, गुरु के संबंध में जी, अगर आपको सपना भी आता है या ख्याल भी आता है ना, तो वो सत्य है, वो कल्पना नहीं है। जी प्रभु, इतना याद रखना, बाकी सारी कल्पना है, लेकिन गुरु और भगवान अगर दर्शन देते हैं सपने में या दिव्य देह रूप से या आसपास में भी महसूस होता है ना, तो वो सही है, वो हकीकत है, सत्य है, वो कल्पना नहीं है। तो ये बात याद रखना कि कभी भी जो है आप संकट में रहोगे ना, तो आपका गुरु आपके आसपास ही रहेगा। जी प्रभु, लेकिन एक चीज और है। हाँ जी। ये कल्पनाएं हमें बहुत दिखती हैं कि स्त्री के रूप में कुछ ऐसे ही बहुत, देखो कैसा है वो भीतर पड़ा है ना, इतने टाइमों से संस्कार पड़ा है ना, तो इसीलिए दिखेगा। लेकिन इतना याद रखना कि मेरे गुरु मेरे साथ में है, और अब जो है माया आपको हर प्रकार से डिगाने की कोशिश करेंगे भगवान के रास्ते से, तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। जी प्रभु। तो वहां पर जो है ऐसा ही बोलना है कि मैंने मेरे गुरु का हाथ पकड़ा है, तुम चले जाओ।
तो है ना, तो फिर वो चला जाएगा और गुरु की शक्ति काम करेगी, इतना याद रखना, आप अकेले नहीं हो जी है ना। तो ये बात है।